ये रहा मारुति स्विफ्ट डिजायर का सीट बेल्ट। हम लोग कैसे फिटिंग करेंगे, इसमें एक लॉक हो जाता है कभी कभी, जैसे हम लोग यहाँ पे टाइट दोनों साइड तीनों साइड बोल्ट टाइट करके जैसे इसको रिलीज करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर कुछ लॉक हो जाता है, ये ऊपर रिलीज ही नहीं हो पाता है। तो आप लोगों के यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे फिटिंग किया जाता है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और जहाँ तक होगा हम समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। अभी तो यहाँ अच्छा ही काम कर रहा है, अभी लॉक नहीं है, आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। इसको टाइट करके देखेंगे कि दिक्कत है या नहीं है। लास्ट एक यहाँ पे जो बोल्ट था उसको टाइट कर दिया गया है, एक यहाँ पे है, एक ऊपर की तरफ। अब इसको रिलीज करके देखेंगे कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। भाई देखिए, जितना चाहे हम लोग घसीट रहे हैं, आराम से आ रहा है जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, किसी दिक्कत की वजह से क्या होता है, ये जो सीट बेल्ट अंदर रोलर यहाँ पे लगा हुआ है ये रिलीज ही नहीं होता है। भाई इसके अंदर छोटी छोटी सी स्प्रिंग बॉल्स लगी हुई होती है, नील लगी हुई होती है, वो कभी कभी दिक्कत हो जाए होता है, उस कंडीशन में क्या होता है वो लॉक हो जाता है और रिलीज ही नहीं होता है। यहाँ डालने के समय एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें रोलर लगा हुआ है सीट बेल्ट का उसको अंदर की तरफ रखेंगे और जो बाहर है उसको बाहर ही छोड़ देंगे। बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स मैंने यूज किया हूँ। देखिए कैसे सीट बेल्ट को यूज किया जाता है, उधर से खींचिए, एकदम इजी से आना भाई, यह नहीं कि कहीं पे फंस गया यहाँ पे टिकते फिर बस। तो फाइनली जिस काम के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया वो फाइनली हमारा काम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ढंग से ओके हो चुका है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर मार दीजिएगा, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। नोटिफिकेशन बटन दबाना नहीं भूलना है मेरे भाई। थैंक यू, मैं अनुज भाई।